Welcome to Sutantra Gupta classes. Today we are going to start our fourth poem from English Junction books, class 8. So this poem, The Charge of the Light Brigade, is one of the most famous poems of Alfred Lord Tennyson, which was written by him in the memory of the British soldiers who sacrificed their lives in Crimean War. This poem tells us the story of a brigade consisting of 600 soldiers जो अपने अपने घोड़ों पर सवार हैं। तो इसमें कुछ फोटो दिखाए गए हैं जिसमें एक आर्मी है छोटी सी और उनके मेंबर जो हैं 600 हैं जो अपने अपने घोड़ों पर सवार हैं, उनके पास केवल तलवारें हैं और उनके कमांडर ने उनको आगे बढ़ने के लिए कहा है। Now we start our first stanza of this poem. Half a league, half a league, half a league onwards. All in the valley of death. Half a league means जो सेना 600 लोगों की है जिनके हाथों में तलवारें हैं केवल और वो घोड़सवार हैं, केवल अपने घोड़ों पर सवार हैं। उनके सामने की जो सेना है वो बहुत बड़ी है, उनके पास तोप वगैरह गन है, मशीन गन है और उनसे हाफ डिस्टेंस पे है। मीन्स हाफ अ लीग यहाँ पर जो मतलब दिया गया है कि इक्वल टू 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का मतलब हो गया आधी, यानी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वो हैं। हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, जो उनकी सेना है वो अभी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑल इन द वैली ऑफ डेथ, सभी लोग एक मौत की घाटी में है। रोड द 600 और जितने भी लोग हैं सब अपने 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 घोड़ों पर सवार हैं 600 लोग। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, लाइट ब्रिगेड यहाँ पर क्या इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ब्रिटिश की जो सेना है जिनके सैनिक हैं जो घोड़ों पर सवार हैं उनकी क्वांटिटी दुश्मन के सामने बहुत कम है। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, आगे बढ़ो सेना की छोटी टुकड़ी। चार्ज फॉर द गन्स ही सेड, उनके कमांडर कहते हैं गन का सामना करो। इन टू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, लेकिन वो उनके जो सैनिक है 600 वो मौत की घाटी में अंदर जाने लगते हैं। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड वॉज देयर अ मैन डिसमेड, उनका कमांडर कहता है लाइट ब्रिगेड सोने सेना की छोटी टुकड़ी आगे बढ़ो। वॉज देयर अ मैन डिसमेड, क्या किसी व्यक्ति में कोई उदासी थी, किसी को डर था, क्या कोई परेशान था। नॉट दो द सोल्जर्स न्यू, सैनिक कोई भी नहीं जानता था। समवन हैड ब्लंडर्ड, शायद किसी ने कोई भारी गलती कर रखी थी। देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई, उनका काम रिप्लाई देना नहीं था उन सैनिक का जो घोड़ों पर सवार थे। Theirs not to reason why, और ना वो पूछ सकते थे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है हमसे आगे बढ़ने को। उनके पास मॉडर्न हथियार हैं लेकिन उनके पास केवल तलवारें हैं, उन्हें पता था कि वो मरने वाले हैं लेकिन फिर भी उन्हें आगे के लिए भेजा जाता था। Theirs but to do and die, उनका काम केवल करना और मरना था। Into the valley of death rode the 600, वो 600 घुड़सवार जो थे मौत की घाटी में बढ़ते जा रहे थे। कैनन टू द राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, जब वो घुड़सवार 600 आगे बढ़ रहे थे तो उनके राइट साइड में तोपें लगी हुई थी, उनके लेफ्ट साइड में तोपें लगी हुई थी, उनके सामने की तरफ तोपें थी। वॉलीड एंड थंडर्ड, हर तरफ से गोलियों की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी, बहुत लाउड नॉइज में। Stormed at with shot and shell, जो गोलियों की आवाज थी अचानक से हमला करती हुई सी आ रही थी। Boldly they rode and well, लेकिन वो बहादुरी से अपनी सवारी करते हुए अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे थे। Into the jaws of death, मौत के जबड़ों में वो बढ़ते जा रहे थे, उन्हें पता था कि उनका एंड यही होगा। Into the mouth of hell, वो नर्क के मुंह की ओर बढ़ रहे थे, मीन्स उनका अंत होने वाला था। रोड द 600, वो 600 सवार
जो घुड़सवारी कर रहे थे वो मौत के अंधेरे कुएं में पड़ रहे थे। Flashed all their sabers bare, flashed as they turned in air, sabering the gunners there, charging an army, while all the world wondered. जब वो सेना की टुकड़ी 600 घुड़सवार आगे जा रहे थे तो उनकी तलवारें, जो उनकी भारी तलवारें थी, उनके तेज धार लगी हुई थी, वो सब टकरा रही थी, शोर मचा रही थी। Flashed as they turned in air, जब हवा में लहराते थे तो वो चमक उठती थी। Sabering the gunners there, कई वहाँ पर बंदूकधारी भी थे। Charging an army, और वो सेना पर हमला कर रहे थे। While all the world wondered, जबकि पूरा जो संसार था वो ये जानना चाहता था आखिर डिसीजन होना क्या है, जीत किसकी होनी है। Plunged in the battery smoke, जो तोप थी उनमें से धुआं निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये सब एक साथ आग उगल रही हैं। Right through the line they broke, एक लाइन से धुआं निकल रहा था दाहिनी तरफ से। कोसक एंड रशियन, कोसक यहाँ पे लोगों के लिए हैं जो सदन रसिया के लोग थे, उनको कोसक बोला गया है। जो यानी दुश्मन की जो आर्मी थी वो रशियन आर्मी थी, उसमें बताया है। रील्ड फ्रॉम द सेबर स्ट्रोक, वो सब लोग अनस्टेडी वे में एक दूसरे को हिट कर रहे थे, बार बार आक्रमण कर रहे थे। शैटर्ड एंड सन्डर्ड, वो कंप्लीटली नष्ट करना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे या तोड़ देना चाहते थे एक दूसरे के चेहरों को। देन दे रोड बैक, इस सब के बाद जो 600 घुड़सवार गए थे वो वापस आ गए। बट नॉट द 600, लेकिन इस बार वो 600 की क्वांटिटी में नहीं थे, उनमें से कुछ मारे गए, इसलिए ये पोएट ने यहाँ पर लिखा है कि जो घुड़सवार वापस आए वो 600 अब नहीं थे। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन बिहाइंड देम वॉलीड एंड थंडर्ड। अब जब वो वापस लौट रहे थे तो तोपें उनके राइट साइड में थी, तोपें उनके लेफ्ट साइड में थी, तोपें उनके पीछे से थी। वॉलीड एंड थंडर्ड, वो जो गोलियों की आवाज़ आ रही थी एक ही साथ आ रही थी, बहुत जोरों की आवाज़ आ रही थी, और वो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत तेजी से चल रही हैं। Stormed at with shot and shell, जोर की आवाज, ऐसा लगता था कि अचानक से हमला हो रहा था। While horse and hero fell, जबकि जो घोड़ सवार थे और उनके जो घोड़े थे वो गिर चुके थे। They that had fought so well, वो जो 600 घोड़ सवार थे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लड़ाई करी। Came through the jaws of death, वो मौत के जबड़े से बाहर आ चुके थे। Back from the mouth of hell, वो नरक के द्वार से यानी नरक के मुंह से वापस आ चुके थे। All that was left of them, left of 600. लेकिन इस बार वो 600 नहीं थे, उनकी संख्या उतनी नहीं थी, जितने भी बचे हुए लोग थे वो वापस आ रहे थे। When can their glory fade, उनकी जो विजय गाथा थी वो कहाँ पर समाप्त हुई, कहाँ पर मुरझाई। Oh the wild charge they made, कितना बहादुरी से उन्होंने सामना किया, कितना बहादुरी से वो लड़े। All the world wondered, इस बात पर पूरा संसार हैरान था। Honor the charge they made, उनका सम्मान होना चाहिए था जो उन्होंने जिस प्रकार से लड़ाई की थी। Honor the light brigade, noble 600, उन 600 घुड़सवारों का सम्मान होना था, क्योंकि उनकी सेना इतनी छोटी संख्या में होते हुए भी उन्होंने बहादुरी से सामना किया। राइटर जो है इनको हीरो क्यों कहता है, हीरो इसलिए कहता है क्योंकि उनके पास उतने अच्छे हथियार नहीं थे, केवल चमकदार तलवारें थीं, उन्होंने उन्हीं तलवारों से सामना किया और बहादुरी से वापस लौटे, लेकिन इस बार वो 600 नहीं थे। तो बेटा पोएम कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो पेज नंबर आपको 43 पर दिए हुए हैं,
वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ए बी सी तीनों सेक्शन के आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।